हेलो दोस्तों, जीएस भाई सुरेंद्र सर की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हमने अगले वीडियो में देखा था उसकी एक विस्तृत व्याख्या देखेंगे कि कौन सा प्रकार होता है और उस प्रकार की विशेषता क्या है। तो विश्व के आइए देखा जाए कि विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, तो विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो प्रकार हैं। पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। तो एक चीज तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। और ये दो प्रकार कौन कौन हैं? खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अब हमें ये देखना है कि आखिर खुली अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है, हम किस अर्थव्यवस्था को खुली अर्थव्यवस्था कहें और किस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। तो आइए देखा जाए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात करती है। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए ये देश है, एक देश ये है, एक देश ये है। अगर ये दोनों लोग अपने यहां से सामान बेचते हैं और इसके यहां से सामान खरीदते हैं, तो चाहे वस्तु हो या सेवा, अगर आदान और प्रदान यानी आयात और निर्यात हो रहा है, खरीद और बिक्री हो रही है, तो इसका मतलब कि वो खुली अर्थव्यवस्था है। जब विश्व के अन्य देशों के साथ कोई देश आयात या निर्यात करता है तो उसकी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक वही चीज लिखा गया है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात करती है उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। उदाहरण में अब देखा जाए कि आखिर कौन कौन से देश हैं जो खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दुनिया के हर देश खुली अर्थव्यवस्था के देश है। खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या होती है, तो आयात और निर्यात होता है। कहने का मतलब शेष विश्व के साथ आयात और निर्यात होता है। उदारवाद, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई जाती है। तो आप देखेंगे कि खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारवाद की नीति अपनाई जाएगी, वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाएगी और प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई जाएगी। भारत का जो झुकाव है ये 1991 ईस्वी से उदारवाद और वैश्वीकरण की तरफ बढ़ा हुआ है। तो भारत का झुकाव ज्यादा बढ़ गया है 1991 ईस्वी से। तो आप एक चीज तो समझ में आ गया होगा कि खुली अर्थव्यवस्था क्या है। तो एक देश जब शेष अन्य देशों के साथ अपना आयात और निर्यात करता है तो उसे खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आइए देखा जाए कि बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। जब दो देशों के बीच आयात और निर्यात नहीं होता है, तो मान लीजिए एक देश यह है पी और दूसरा देश है क्यू, जब इन दोनों के यानी एक देश या दो देश की बात, जब दो देशों के बीच आयात और निर्यात नहीं होता है, कहने का मतलब इनके और इनके बीच ना तो कोई खरीद हो रही है और ना कोई बिक्री हो रहा है। तो जब दो देशों के बीच ना तो खरीद होती है ना तो बिक्री होती है, कहने का मतलब ना तो आयात होता है और ना निर्यात होता है, तब ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है या कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है, तो यह बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। क्या कोई देश है दुनिया का जो बंद अर्थव्यवस्था को अपनाता है, ये उसके यहां बंद अर्थव्यवस्था है, तो ऐसा कोई देश नहीं है, कोई देश नहीं है, ध्यान रखिएगा, कोई देश नहीं। यानी अभी दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था को अपनाता हो,
विशेषता क्या है? तो आयात और निर्यात नहीं होता है। अभी पहले ही आप समझ चुके हैं कि जब दो देश एक दूसरे के बीच आयात या एक देश दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात नहीं करता है, जब एक देश दूसरे देश के साथ आयात और निर्यात नहीं करेगा तो बंद अर्थव्यवस्था, तो विशेषता में क्या हो जाएगी? आयात और निर्यात नहीं होता है। संरक्षणवाद की नीति अपनाई जाती है। अब संरक्षणवाद क्या है, अभी आगे हम बताते हैं कि संरक्षणवाद क्या है। आगे पहले ये देख लीजिए कि यह एक आदर्श स्थिति है, क्योंकि इसके तहत एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होते हैं। यह एक आदर्श स्थिति है क्योंकि इसके तहत एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, मान लो कि यह एक देश है पी, और यह किसी अन्य देश के, यहां छोटे छोटे या बड़े बड़े जो भी देश हैं, इनके साथ ना तो आयात कर रहा है ना तो निर्यात कर रहा है। इसका मतलब यह अपने आप में पूर्ण है, इसकी जो आवश्यकता है वो इसके देश में ही पूरी हो जाती है। इसे ना तो किसी को खरीदने, किसी के यहां से खरीदने की जरूरत है, ना किसी के यहां बेचने की जरूरत है। यह अपने देश की आवश्यकता को अपने आप पूर्ण कर लेता है। तो इसका मतलब यह एक आदर्श स्थिति है, ना तो इसे खरीदना पड़ रहा है ना तो बेचना पड़ रहा है। इसका मतलब ये अपने देश में जो उत्पादित कर रहा है उसी से खा रहा है, उसी से सारी चीजें हो रही है। जो आवश्यकता की चीज है वो इसके यहाँ पैदा हो रही है, चाहे वो पेट्रोल हो जाए चाहे अनाज हो जाए। तो जब सारी चीजें एक देश के अंदर ही पैदा हो रही है तो उसे खरीदने की जरूरत नहीं है। तो जब खरीदने की जरूरत नहीं है तो इसका मतलब वो बंद अर्थव्यवस्था है। और जब कहीं से निर्यात ना करना पड़े, आयात ना करना पड़े, तो इसका मतलब है कि हम एकदम बिल्कुल आदर्श स्थिति में है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो वही है कि यह एक आदर्श स्थिति है क्योंकि इसके तहत एक देश के पास सभी आवश्यक संसाधन होते हैं। तो यह आदर्श स्थिति है, उसके पास सारे आवश्यक संसाधन है, उसे किसी देश पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है, किसी देश से आयात और निर्यात की जरूरत नहीं है। तो क्या कोई देश ऐसा है दुनिया का जो बंद अर्थव्यवस्था को अपना रहा है? तो ऐसा कोई देश नहीं है दुनिया का। बस समझ गए? तो मुझे उम्मीद है कि विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर आप अर्थव्यवस्था को समझे होंगे। एक शॉर्ट रिवीजन करते हैं कि विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार? तो दो प्रकार, एक खुली अर्थव्यवस्था, दूसरी बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था मतलब एक देश है वो अन्य देशों के साथ अपना आयात और निर्यात करता है वस्तुओं और सेवाओं का। तो जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात और निर्यात दूसरे देशों के साथ करेगा तो इसका मतलब वो खुली अर्थव्यवस्था है। इसकी विशेषताएं क्या है? तो आयात और निर्यात होता है, संरक्षणवाद तो नहीं होता है, उदारवाद की नीति अपनाई जाती है, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा की नीति अपनाई जाती है। इसमें आप देखेंगे कि भारत का जो झुकाव है वो उदारवाद की तरफ 1991 से बढ़ रहा है। अब बंद अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई आयात और निर्यात नहीं करता है तो इसका मतलब वो बंद अर्थव्यवस्था है। बंद अर्थव्यवस्था एक आदर्श स्थिति होती है। क्यों आदर्श स्थिति होती है भैया? क्योंकि उसके पास आवश्यक सारे संसाधन मौजूद है, उसे किसी दूसरे देश की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह जो है एक आदर्श स्थिति मानी जाती है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब आइए देखा जाए विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं। तो विकास के आधार पर ध्यान दीजिएगा मित्रों, अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। जहां आपने विश्व के संबंधों के आधार पर देखा कि अर्थव्यवस्था मात्र दो प्रकार की होती है, यानी खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था, वही विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार हैं? तो अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। अब विकसित अर्थव्यवस्था क्या है भैया? सर्वाधिक औद्योगिक विकास। तो मान लीजिए ये एक शब्द है विकास, आपसे कोई पूछ भी सकता है कि विकास क्या है, तो विकास में आप तीन चार चीजें जाने। सर्वाधिक औद्योगिक विकास यानी औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा हुआ हो, ज्यादा से ज्यादा औद्योगिक विकास जिस देश
में हो गया होगा, उसका मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरी विशेषता इसकी अगर देखा जाए तो उच्च प्रति व्यक्ति आय, यानी व्यक्तियों की जो इनकम है, आय है, वो उच्च है, ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है। और तीसरी विशेषता है पर्याप्त अधोसंरचना। पर्याप्त अधोसंरचना यानी अधोसंरचना उसके पास पर्याप्त है। तो अधोसंरचना है क्या चीज, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अधोसंरचना क्या चीज है इसे हम समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि अधोसंरचना क्या है। अधोसंरचना, तो अधोसंरचना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा भैया कि जिसके पास सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट, ये चारों सुविधाएं जिसके पास है वही अधोसंरचना है। तो अधोसंरचना के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं, सड़क आता है, बिजली आती है, पानी आती है और इंटरनेट आता है। फिर से देख लीजिएगा, अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, बिजली, पानी और इंटरनेट। तो आप विकसित अर्थव्यवस्था में जो तीन विशेषता देखे, वो तीन विशेषता कौन कौन देखे, सर्वाधिक औद्योगिक विकास, यानी जिस देश में उद्योग का सबसे ज्यादा विकास हुआ वो विकसित अर्थव्यवस्था, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा वो विकसित अर्थव्यवस्था, जिस देश में पर्याप्त अधोसंरचना हो वो विकसित अर्थव्यवस्था। क्या दुनिया की कोई देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे तमाम देश हैं जो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब बात किया जाए दूसरे नंबर पर विकासशील अर्थव्यवस्था, तो विकासशील अर्थव्यवस्था उसे कहते हैं जहां औद्योगिक विकास की प्रक्रिया देर से शुरू हुई है, यानी सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास नहीं हुआ है, यहाँ विकास की जो उद्योगों के विकास की प्रक्रिया है वो थोड़ा देरी से शुरू हुई। तो जब देर से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है तो देर से उसका जो है विकास भी होगा। दूसरी विशेषता है निम्न प्रति व्यक्ति आय, जहां विकसित देश में उच्च प्रति व्यक्ति आय होती थी वही विकासशील देश में निम्न प्रति व्यक्ति आय है और अधोसंरचना का अभाव है। आप देखें कि विकसित देश में अधोसंरचना पर्याप्त है जबकि विकासशील देश में अधोसंरचना का क्या है, अभाव है। जैसे भारत देश को ले लिया जाए तो यहाँ सड़क, पानी, बिजली और इंटरनेट, ये चारों चीजों की स्थिति लगभग डमाडोल है। तो कहने का मतलब भारत क्या होगा, विकासशील देश होगा। तो आपने विकसित देश और विकासशील देश समझा, अब आइए देखा जाए अल्प विकसित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो विकास की आरंभिक अवस्था, जहां विकास अभी बिल्कुल शुरू हुआ है उसे विकास की आरंभिक अवस्था कहेंगे। तो ऐसे देश अल्प विकसित देश कहलाते हैं, या ऐसे देश की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है जहां पर विकास की प्रक्रिया अभी शुरू हुई है या शुरू ही नहीं हुई है। जैसे उदाहरण में देखा जाए नाइजर और चाड, इन देशों में या तो अभी पुरानी तकनीक अपनाई जा रही है या विकास अभी शुरू हो रहा है, तो इसे विकासशील या विकसित बनने में काफी समय लगेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप अर्थव्यवस्था को दो आधारों पर जो प्रकार बताए गए वो समझ में आया होगा। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं जल्दी से, ताकि जो भी भूला हो तो आप याद कर सके, और अगली क्लास में हम बताएंगे कि इसके आगे भी अर्थव्यवस्था के कौन कौन से प्रकार है। आप लोग अगर इसके पहले वाली वीडियो ना देखे हो तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि अर्थव्यवस्था को कितने आधारों पर बांटा गया है। तो आज हम अर्थव्यवस्था के दो आधारों को बांट करके देखे हैं। तो विश्व के अंतर संबंधों के आधार पर आपने देखा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की, दो प्रकार की, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। अगर विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो तीन प्रकार की, कौन कौन, विकसित, विकासशील
और अल्पविकसित। आपने देखा अंतर संबंध के आधार पर जो एक दूसरे के देश के साथ संबंध के आधार पर तो दो है, खुली और बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है? जब एक देश विश्व के अन्य देशों के साथ अपना आयात और निर्यात करता है तो खुली अर्थव्यवस्था। जब एक देश दूसरे देश के साथ कोई व्यापार नहीं करता है, आयात और निर्यात नहीं करता है, तो बंद अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं विकास के आधार पर, तो विकसित अर्थव्यवस्था में ज्यादा औद्योगिक विकास हुआ होगा, ज्यादा प्रति व्यक्ति आय होगी, अधोसंरचना पर्याप्त रूप से होगी। जबकि विकासशील में देखा जाए औद्योगिक विकास जो है देरी से शुरू हुआ। जब देर से शुरू हुआ तो इसका मतलब अभी विकास प्रक्रिया वहां चल रही है। और दूसरी चीज कहा जाए तो यहाँ निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। जहां विकासशील देश में आप देख, विकसित देशों में आप देखेंगे कि उच्च प्रति व्यक्ति आय होती है, वही विकासशील देशों में निम्न प्रति व्यक्ति आय होती है। यहाँ अधोसंरचना पर्याप्त है तो यहाँ अधोसंरचना का अभाव है। और अल्प विकसित में आप देखेंगे बिल्कुल अलग थलग है, यहाँ विकास की प्रक्रिया अभी अभी शुरू हुई है या कहीं कहीं शुरू ही नहीं हुई है। उदाहरण में आप देख सकते हैं कि जो है कौन कौन से देश है, तो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत दुनिया के लगभग सभी देश आते हैं, बंद अर्थव्यवस्था में कोई देश नहीं आता है। अगर विकसित अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो कौन कौन से, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, रशिया हो गया, ऐसे देश हो गए। और विकासशील अर्थव्यवस्था की बात किया जाए तो भारत और मलेशिया को ले लीजिए, अल्प विकसित में चाड और नाइजर को ले लिया जाए। आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में हम बताएंगे आगे अर्थव्यवस्था के और कितने प्रकार हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।